हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो कि गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में गेट एग्ज़ाम होता क्या है और इस गेट एग्ज़ाम में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा। अगर आप इस समय पर अपने सेकेंड ईयर बीटेक में है तो वो बच्चा गेट की तैयारी करता है क्योंकि वो अपने थर्ड ईयर में गेट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसी तरीके से जब आप अपने थर्ड ईयर में हैं तो स्टूडेंट जो है वो अपने फोर्थ ईयर में गेट एग्ज़ाम को देते हैं, क्योंकि ऐसा देने से आपको टॉप रैंक से आप वहाँ से प्रिपरेशन आप करेंगे तो टॉप रैंक पर आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। अब ये समझना कि गेट एग्ज़ाम ईजी है या डिफ़िकल्ट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जो गेट एग्ज़ाम है उसको कट ऑफ क्लियर करना इज़ वेरी इजी। लगभग जो भी स्टूडेंट्स गेट एग्ज़ाम को कट ऑफ क्लियर करते हैं वो ऑलमोस्ट 16 से लेकर 18% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गेट एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं, उसी कट ऑफ वो ले पाते हैं। लेकिन अगर ये बोलना कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप रैंक्स पर आना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि डिफ़िकल्ट का मतलब है या आप किसी IIT में हैं, या आप IIC बैंगलोर से आप जा रहे हैं, या फिर आप टॉप NITs में हैं, तभी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ से होता है। अगर आप ऑलरेडी आपने बीटेक किया है फ्रॉम अ थर्ड ईयर कॉलेज तो आप गेट की तैयारी करके आप टॉप रैंक से जाने के बाद आप टॉप IITs या फिर NITs से एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटीज आपको वहाँ से मिल जाती है, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गेट एग्ज़ाम? तो गेट एग्ज़ाम की फुल फॉर्म क्या होती है? ये जो गेट एग्ज़ाम है वो ये बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि क्या आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है फॉर द ऑफ योर इंजीनियरिंग और नॉट। बिकॉज इस समय पर इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ से बहुत अच्छे स्टूडेंट जो है वो वहाँ से नहीं आ रहे थे, तो इसी वजह से गेट एग्ज़ाम को ऐसा एग्ज़ाम बनाया गया है ये देखने के लिए क्या आप अच्छे इंजीनियर हो या फिर नहीं हो। लगभग टोटल 8 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जॉइंटली गेट एग्ज़ाम को बनाते हैं। जैसे नंबर 1 इस IIC बैंगलोर, नंबर 2 IIT मद्रास, नंबर 3 IIT दिल्ली, देन IIT बॉम्बे, देन IIT खड़गपुर, देन वी हैव IIT कानपुर, देन वी हैव IIT रुड़की, एंड देन यू हैव IIT गुवाहाटी। दीज आर इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूशंस जो कि गेट एग्ज़ाम को बनाते हैं, और हर साल ये जो एग्ज़ाम्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो गेट एग्ज़ाम को यू नो क्रिएट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि इस समय पर गेट 2023 यानी कि अगले साल ये जो एग्ज़ाम होने वाला है फ्रॉम IIT कानपुर की तरफ से होता है, और जनरली IIT कानपुर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। जितने एक्सपीरियंसेस हमारे पास रहे हैं तो IIT जो कानपुर है उसके एग्ज़ाम थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसकी जो प्रिपरेशन है आपको अभी से ही उसकी प्रिपरेशन आपको करनी होगी ताकि आप टॉप रैंक से आप वहाँ पर पहुँच पाएँ। कि जब आप गेट एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद उसे कट ऑफ को क्लियर करते हैं और वहाँ से आप किसी टॉप इंस्टीट्यूशन से आप जब एडमिशन लेते हैं तो वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से आपको पर मंथ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलते हैं, जिसको हम स्टाइपेंड भी हम इसको बोलते हैं, जिसको पर मंथ आपको 12,500 रुपीज़ आपको मिलती है ताकि आप अपनी MTech को जो प्रिपरेशंस जो आपकी जो पढ़ते हैं जो आप MTech आप कर रहे हो आप उसको मैनेज कर पाएँ और आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स को आप कंटिन्यू कर पाएँ। कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि गेट एग्ज़ाम को दे सकते हैं? पहला, ऐसे जो स्टूडेंट्स इस समय पर बीटेक कर रहे हैं, अपने थर्ड ईयर में हैं या अपने फोर्थ ईयर पे हैं, तो आप गेट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। या फिर अगर आपने पोस्ट BSc आपने कोर्स लिया है तो भी आप वहां से गेट एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स अगर आपने करी है तब भी आप गेट एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चाहे आपने MCA किया है, चाहे आपने MTech किया है, या फिर आपने ME किया है, या फिर MSc आपने किया है, तब भी आप गेट एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 4-year इंटीग्रेटेड मास्टर्स के डिग्री आपने ली है जिसको बोलते हैं पोस्ट BSc, अगर आपने किया है तब आप यहाँ से गेट एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर अगर आपने 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपके पास होते हैं, कई जगह पर इंस्टीट्यूशंस पर जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड होते हैं जहां पर आप बीटेक और एमटेक 5 सालों में वो क्लियर करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो भी आप कर सकते हैं। गेट एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 29 डिसिप्लिनस यहाँ पर होती हैं। आप स्टूडेंट्स इनमें से किसी भी डिसिप्लिन से गेट एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। जैसे आप गेट कंप्यूटर साइंस आप दे सकते हैं, या फिर मैकेनिकल आप दे सकते हैं, या फिर सिविल आप दे सकते हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी आपके पास है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है। इस तरीके से टोटल आपके पास 29 डिसिप्लिन होती हैं जहाँ से आप गेट एग्ज़ाम को यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी और कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, जैसे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांचेस से बीटेक किया था, लेकिन अपनी एमटेक में अगर वो कंप्यूटर साइंस में एंटर करना चाहते हैं तो उन्होंने गेट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करी थी और वहाँ से उसके एडमिशन आपने लिया था। उसी तरीके से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिविल ब्रांच से गेट की तैयारी करी थी, राइट, आई मीन जिन्होंने बीटेक जो थी वो बीएससी वो सिविल ब्रांच से थी, लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन करी कंप्यूटर साइंस गेट की और वहाँ से अपने गेट एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दिया और वहाँ से एमटेक जो है वो कंप्यूटर साइंस उन्होंने किया। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी करंट ब्रांचेस से आप सेटिस्फाइड नहीं हो और कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस पे आप एंटर करना चाहते हो, तो आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो, उसी किसी के लिए आप गेट की तैयारी यहाँ से कर सकते हो। लगभग हर साल 8 से लेकर 9 लाख स्टूडेंट जो है वो गेट एग्ज़ाम को रजिस्टर करते हैं। अगर स्पेसिफिकली मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ तो कंप्यूटर साइंस में से ऑलमोस्ट 1 लाख स्टूडेंट जो है हर साल गेट एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं। 2 चीज़ें हमारे पास होती है, पहली होती है रजिस्टर और दूसरा होता है अपीयर्ड, राइट। जैसे आपने देखा होगा जिस समय पर 2021 का जो डेटा था बिकॉज ऑफ कोविड, काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को अपीयर किया था। जैसे गेट 2021 में ऑलमोस्ट 8.8 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर किया था, लेकिन उसमें से 7 लाख ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपीयर किया था, और जिसमें से 1,26,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो आप 16 से लेकर 18% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है? तो पैटर्न जो है वो गेट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं CBT, और ये जो एग्ज़ाम है वो 3 आवर का एग्ज़ाम होता है जिसमें से आप किसी भी पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप गेट कंप्यूटर साइंस से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। जनरली हमारे पास 2 तरह के कोर्स हमारे पास सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज जनरल एप्टीट्यूड और सेकंड 1 इज योर सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। जैसे जनरल एप्टीट्यूड जो है उसके अंदर आपके वर्बल होते हैं और आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, जो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, और जो नेक्स्ट आपके पास 55 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आप वहाँ से पढ़ते हैं। जनरली आपके पास 3 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। नंबर 1 इज MCQs जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 2 इज MSQs जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, एंड नंबर 3 इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं NAT। जनरली अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं तो वहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग आपको वहाँ से मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास MSQs है या फिर अगर आपके पास NAT क्वेश्चन आपके पास है तो वहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। वहाँ पर अगर आपने आंसर आपने गलत दिया है तो आपको कोई भी मार्क्स आपको समय पर नहीं मिलेगा। जनरली गेट एग्ज़ाम इसलिए बनाया गया है ये देखने के लिए कि आप कितने अच्छे इंजीनियर हो, जैसे कि मैं आपको बताया था, तो इस चेक करने के लिए कि आप कितने अच्छी एबिलिटीज़ है आपके पास एज ए इंजीनियर, तो आपके लिए 4 चीज़ों के लिए हम इसको बनाया था। नंबर 1 रिकॉल करना, जो भी इंजीनियरिंग में आपने चीज़ें पढ़ी थी उसको रिकॉल करने के लिए, आप इस एबिलिटी को चेक करने के लिए उन्होंने एप्टीट्यूड बेस्ड एग्ज़ाम को हमने बनाया था। नंबर 1 आपको कॉम्प्रिहेंशंस आपके होनी चाहिए। नंबर 3 इस एप्लीकेशंस, राइट, जो भी नॉलेज आपने पढ़ी है, जैसे अगर आपने सी प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा है, आपने उसकी नॉलेज आपने ली है, लेकिन जब आप एक्चुअल लाइफ में किस तरीके से उसके एप्लीकेशंस को अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए हमने
इस सेशन को हमने बनाया था। एंड नंबर फोर्थ विल बी कॉल्ड एज एनालिसिस एंड सिंथेसिस, यानी कि जो नॉलेज आपने करी है आपको किस तरीके से आप उसको एनालाइज कर पाएंगे और न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, तो उसके लिए हमने एनालिसिस और सिंथेसिस के लिए हमने बनाया था। तो बेसिकली गेट एग्जाम इन चार चीज़ों के बेसिस पर बनाया गया है, रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस। जनरली आपके पास 10 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि जनरल एप्टीट्यूड के हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, और 55 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 55 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हमारे पास आते हैं। तो टोटल आपके पास 65 क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखेंगे तो 30 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स के होंगे और 35 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जब टोटल आप ऐड करेंगे टोटल आपके पास 100 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे। जैसे अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड जो है वो 15 मार्क्स आपको मिलता है और जो आपके कंप्यूटर साइंस के जो नॉलेज जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो वो ऑलमोस्ट आपके पास 85 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर रहते हैं। उस 85 में से 15 ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बेसिस पर होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है या फिर वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बेसिस पर है। सो जैसे मैंने बताया तो यहाँ पर आपकी मार्किंग स्कीम जो है, हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, नंबर 1 मार्क्स और सेकंड होता है आपके पास 2 मार्क्स। जैसे नेगेटिव मार्किंग, यानी कि जब आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं तो वहां से आपके पास अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो वहां से फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए आपको 1/3 मार्क्स आपको नेगेटिव होंगे, डिडक्ट होंगे, और अगर आपके पास 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वहां पर आपको 2/3 मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाते हैं, तो बाकी सभी क्वेश्चंस में आपको नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं मिलती। अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए ताकि आप गेट एग्जाम्स पे आप टॉप रैंक से आपको क्लियर करें। नंबर 1, यू हैव टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आप गेट की तैयारी करेंगे, इसकी प्रिपरेशन एनालाइज कर पाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके टॉप रैंक से क्लियर करना आना बहुत जल्दी आप उसको कर पाएंगे। सबसे पहला काम ये है, आपको ये समझना कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं और उन सभी सब्जेक्ट के लिए आपको क्या कहीं से आप उसको नोट्स अगर आपको मिल सकता है तो आपको पूरी नॉलेज आपको मिलेगी, कैसे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं उसकी तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखा कि जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं उसके कितने डिफिकल्ट लेवल्स आपके पास होते हैं, ओके, और ये देखना कि पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए कितना टाइम आपको ले, कितने मंथ में आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। जनरली क्या होता है, हर एक स्टूडेंट्स की जो नॉलेज रहती है वो अलग अलग तरह की होती है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत इजीली क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और कई जगह पर उसको समझने में टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। जनरली कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ क्रैम करना यानी कि रटने की कोशिश करते हैं, जनरली जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। यहाँ पर रेदर हम उसको रिमेंबर करने की जगह पर हम क्वेश्चंस को एक कॉन्सेप्ट को समझने की, उसको किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया है, अगर वो आपके पास होगा तो गेट एग्जाम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो यू शुड गैदर योर आइडियाज ऑन ईच टॉपिक्स, हर एक टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया गेट के अंदर टोटल 12 सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं तो आपको पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सेकेंडली आपके पास प्रॉपर नोट्स आपको बनाने होंगे, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसके लिए फॉर्मूलाज आप बनाएंगे, आप उसके प्रॉपर नोट्स आप उसके लिए बनाएंगे और की पॉइंट्स आप यहाँ से बनाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, बिकॉज जैसे बताया जो पूरा एग्ज़ाम है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्योंकि सिलेबस जो है काफ़ी लेंदी है और अपने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए दोबारा से, तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएं, क्योंकि जब आप रिवाइज करनी होगी, जब कुछ एग्ज़ाम को देना होगा तो आपके शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत क्विकली आप उसको रिमेंबर कर पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फाइंड द बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज is also very very important. आप चाहें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में कोर्सेज आप ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप गेट की तैयारी सिर्फ किसी कोचिंग से करें, आप विदाउट कोचिंग से भी आप कर सकते हैं, बट जनरली क्या होता है कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप विदाउट कोई गाइड आपके पास नहीं है, एक मेंटर आपके पास नहीं है, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो सबसे पहले
आप चाहें अपने मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन से एनरोल भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास वीजी मेंटो है या फिर आपके पास गीक्स फॉर गीक्स है तो गीक्स फॉर गीक्स के लिए भी आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। और जो भी हमारे कोर्सेज हैं राइट, वहाँ से आपको कंप्लीट बुक्स आपको मिल जाती है, आपको ऑनलाइन रेफरेंसेज आपको मिल जाती है, आपको आर्टिकल्स वहाँ से मिल जाता है, आपको वीडियोस आपको मिल जाती है, काफ़ी इजीली पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग से कॉन्सेप्ट को बताया गया है, तो जो आपको बहुत बेनिफिशियल रहता है। और उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप रैंक से क्लियर किया था, आप उनके प्रीवियस ईयर नोट्स को भी ले सकते हैं ताकि अपने प्रिपरेशन को यूज़ कर सकते हैं। और पूरा जो गेट एग्ज़ाम है इट्स मोर अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट अबाउट ट्रिक्स। गेट एग्ज़ाम जो है वो ट्रिकी नहीं है, वो उसको एग्ज़ाम को अप्लाई करना और उसको टॉप रैंक से जाना उसके लिए सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरह के सेशंस आप चाहते हैं कि अगेन बार बार मैं इस तरह के और सेशंस यहाँ पर लेकर आऊँ, तो आप प्लीज़ इसको कमेंट्स में भी आप मुझे अप्लाई कर सकते हैं, अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।